गाइस क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू इंडियन सोल्जर वन। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं तो वीडियो को पूरा देखना है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी मुझे शेयर करनी है, उन मतलब न्यूज़ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे अपनी इंडियन सोल्जर वन फैमिली के साथ शेयर करनी है, अपने भाइयों के साथ शेयर करनी है, और गलती से अगर कोई बहनें भी हैं इस चैनल के ऊपर तो उनके साथ भी। बट एक इंपॉर्टेंट एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट तो मैं बताता हूँ, इस चैनल की स्टैटिस्टिक्स के अंदर दिखाता तो है 10% के आसपास फीमेल व्यूअरशिप है, बट वो जो है मुझे पता चला कि वो बच्चे हैं लाइक 10 साल की एज तक, और वो अपनी मम्मी के अकाउंट से लॉगिन है। मतलब ठीक है यार, कोई नहीं, चलेगा। तो शुरू करते हैं गेमिंग न्यूज़ के एपिसोड नंबर 243 है, ये कौन सा है, लास्ट वाला कौन सा था, 242 था लास्ट वाला, तो ये है एपिसोड नंबर 243। लेट्स गो टूवर्ड्स आवर फर्स्ट न्यूज़, और वुल्फ अमंग अस का सीजन 2 फाइनली टेलटेल गेम्स ने कंफर्म कर दिया। टेलटेल गेम्स, अगर तुम्हें नहीं पता भाई, द वॉकिंग डेड जो गेम आई थी, ओजी गेम, ओरिजिनल गेम, वो टेलटेल गेम्स ने बनाई थी। और अगर तुम लोगों के पास पीसी है या प्लेस्टेशन है या एक्सबॉक्स है, प्लीज़ उस गेम को ज़रूर खेलना, वन ऑफ द बेस्ट गेम्स एवर, मतलब नेक्स्ट लेवल गेम। द वॉकिंग डेड में वो नहीं कह रहा रिसेंटली वाली, ये मैं एनिमेटेड वाली कह रहा हूँ जो टेलटेल गेम्स ने बनाई थी। गूगल कर लेना तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी गेम की बात कर रहा हूँ। और इन्हीं का द वुल्फ अमंग अस भी एक गेम है बहुत ज़बरदस्त, और उसका सीजन 2 अब इन्होंने बता दिया है कि दे आर वर्किंग ऑन इट। इस लिंक मतलब इस पूरी न्यूज़ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इफ़ यू वॉन्ट टू रीड द ट्वीट्स। तो ये है मेन चीज़ फ्रॉम टेलटेल गेम्स, तो अगर तुम वेट कर रहे थे, हियर इट इज़। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, वो है जनवरी में आने वाली प्लेस्टेशन प्लस जो गेम्स फ्री में आपको मिलती हैं, उसका एक लीक आ चुका है। और आई एम नॉट श्योर कि 100% है, यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी 2022 प्लेस्टेशन प्लस गेम्स हैव बीन रिवील्ड अहेड ऑफ सोनीज ऑफिशियल अनाउंसमेंट, और इसमें 3 गेम्स बताई जा रही हैं। और अगर एक्चुअली में ये 3 गेम्स रही ना, तो इस बारी डिसेंट लाइनअप है भाई। डीप रॉक गैलेक्टिक जो है ये ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है वैसे 2020 में, एक्सबॉक्स और पीसी यूजर्स इसको एंजॉय कर चुके हैं, बट ये अब रिलीज होने वाली थी प्लेस्टेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर, PS4 PS5 के ऊपर, तो अब ये रिलीज के साथ ही अवेलेबल होने जा रही है PlayStation Plus में फ्री में। तो ये बहुत सही चीज़ है, रेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त मिली हुई है, ऐसे अराउंड 9 रेटिंग मिली हुई है डीप रॉक गैलेक्टिक को, तो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और उसके बाद डर्ट सीरीज के बारे में तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, और इसको भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। PlayStation 4 PlayStation 5 दोनों ही वर्जन आपको मिलने वाले हैं, लेकिन PS4 वालों के लिए यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा गेम है, और ये Persona 5 Strikers है जो आपको खेलने को मिलने वाली है। बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी के साथ ये PS5 पे भी चलेगी, बट ऊपर वाली जो दो गेम है ना, वो PS5 स्पेसिफिकली इसलिए मेंशनड है क्योंकि वो ऑप्टिमाइज है स्पेशली फॉर PlayStation 5। लेकिन ये जो Persona 5 Strikers है, ये PlayStation 4 के लिए बनी हुई है, इसको PS5 के लिए ऑफिशियली स्टूडियो ने ऑप्टिमाइज नहीं करा है, बट विद बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी ये बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे PlayStation 4 वाला वर्जन काम करता है। तो ये 3 गेम्स हैं, मतलब नॉट बहुत ही बढ़िया गेम्स मैं बोलूँगा, लेकिन स्टिल बेटर देन जो प्रीवियस मंथ्स में हमें, मुझे मेरे पर्सनल ओपिनियन से। बाकी आई होप कि इससे कोई बढ़िया एक्सक्लूसिव AAA टाइटल हमें PlayStation Plus लाइनअप में देखने को मिल जाए, बट आई होप इतनी तो गेम्स, एटलीस्ट ये तीनों तो हों ही। और इसके बाद यार, जो गेम अवार्ड्स रिसेंटली हुए थे 2021 में, उसके जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं वो रिवील कर दिए हैं ट्विटर के ऊपर। और यार ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये दिखाते हैं कि गेमिंग के लिए मतलब इंटरेस्ट लोगों का कितना ज़्यादा क्रेज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप ये देखो यार, रिकॉर्ड्स देखो जरा, रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ ट्वीट्स अबाउट द शो, 1.6 मिलियन ट्वीट्स हुए थे, रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ व्यूअर वोटर्स 23.2 मिलियन, हाईएस्ट वॉच टाइम ऑन यूट्यूब टिल डेट। मतलब अगर आप ये सारी मतलब पढ़ो इनकी सारी स्टैटिस्टिक्स, तो ये पता चलता है कि भाई कितने ज़्यादा गेम अवार्ड्स को मतलब प्रेफरेंस दी जा रही है गेमर्स के द्वारा, और ये भाई बहुत सही चीज़ है। दिस शोज़ के गेमिंग कम्युनिटी अराउंड द ग्लोब कितनी ज़्यादा मतलब फोकस्ड है टूवर्ड्स गेमिंग। आप लोगों का भी इसमें शेयर है ऑब्वियसली, एंड ये भाई बहुत सही चीज़ लगी मुझे, 85 मिलियन लाइव स्ट्रीम्स, बिगेस्ट ऑडियंस टू डेट। तो 85 लाख लोग जुड़े हुए थे इस लाइव स्ट्रीम में, तो यार ये मतलब अपने आप में रिकॉर्ड ही है, सुनने में भी बहुत बड़ा ही नंबर लगता है, 85 लाख पीपल एट अ गिवन टाइम एट अ गिवन इवेंट, वो भी डिजिटली। ये शो करता है ना मतलब कि आगे वाला फ्यूचर जो है वो पूरा डिजिटल होने वाला है भाई, तो बहुत सही थे। अब इसके बाद जो एक न्यूज़ है वो बहुत ज़बरदस्त है भाई, और वो है एल्डन रिंग और होराइजन फॉरबिडन वेस्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे प्लेस्टेशन गेम साइज ने ट्वीट कर दी है
डाउनलोड साइज जो होने वाले इन दोनों ही गेम्स के 44.472 GB, ये प्ले स्टेशन 5 का साइज इन्होंने बताया है विदाउट डे वन पैच। ये विदाउट मतलब जो पैच आपको देखने को मिलेगा अभी जो फाइनलाइज हुआ है, प्री लोड आपको 23 फेब को मिल जाएगा, मतलब आप गेम को डाउनलोड करके रख सकते हो, और लॉन्च तो 25 फेब को है ही एल्डन रिंग के लिए प्ले स्टेशन 5 वर्जन। और होराइजन फॉरबिडन वेस्ट का जो वर्जन है, अब इसके अंदर देखो कहीं पे भी, हाँ चाहे ये PS5 वाला वर्जन, मेरे को लगा ये PS4 के लिए भी बताया हुआ है, लेकिन PS5 वाले वर्जन का जो डाउनलोड साइज़ है वो 96.350 GB है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़बरदस्त कंप्रेशन टेक्नोलॉजी जो है वो PlayStation 5 में इम्प्लीमेंट हो चुकी है गेम के साइजेस को कम करने के लिए, और उसके बाद ये साइज़ है। अगर वो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ये बहुत बड़ी होती गेम। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सम गेम्स ऑन द डेटाबेस हैव बिगर साइजेस देन ऑन कॉन्सोल 10-20 GB, एनीवे स्टिल 70+ GB। तो ये जो डेटाबेसिस पे साइज दिखाया जाता है वो 10-20 GB, ये कह रहा है कि कॉन्सोल के ऊपर जब वो गेम डाउनलोड हो जाती है, जब वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है ऑन डेटाबेस। तो 96 के यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन 70+ तो है ही है फॉर श्योर। प्री लोड आपको 11 फेब को मिल जाएगी, मतलब कितने दिन पहले, एक हफ्ता पहले आपको प्री लोड के लिए मिल जाएगी ये गेम। 18 तारीख को लॉन्च है, तो आप आराम से, जिनका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, अगर किसी रिमोट एरिया में रहते हो, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो आपको 7 दिन मिलेंगे इस गेम को पहले से ही डाउनलोड करने के लिए ऑन PlayStation 5 एंड PlayStation 4 एज वेल। लेकिन PlayStation 4 का साइज यहाँ पे मेंशन नहीं है, एंड दिस इज होराइजन फॉरबिडन वेस्ट। तो मुझे बताओ भाई क्या कहना है इसके बारे में आपका। अच्छा, अब इसके अलावा जो एक चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो ये है, और डिजिट की मैगजीन के ऊपर तुम्हारे भाई का फेस, तुम्हारे भाई की इन्फॉर्मेशन ऑन द फ्रंट कवर पेज। यहाँ पे एक कस्टम मैगजीन है जो मेरे लिए प्रिंट करके डिजिट ने भेजी है, एंड भाई ये अपने आप में ना एक भाई प्यार है, पता है किसका, तुम लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच डिजिट टीम। मैंने उनके साथ काफ़ी सारी वीडियोस करी हैं, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं वो वीडियोस, एंड मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, फीलिंग प्राउड, फीलिंग ऑसम एट द सेम टाइम। और ये चीज़ मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करनी थी, तो यहाँ पे उन्होंने एक फ्रेम भी दिया है, फोटो फ्रेम, एंड द कवर मैगजीन आपके सामने है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बस आप लोगों को थैंक यू बोलना था मुझे फॉर ऑल दिस, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई इंडियन सोल्जर वन फैमिली। एंड गाइस, जैसे ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसी टाइम अनचार्टेड मूवी का एक नया ट्रेलर आ चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर करना इस वीडियो के बाद। सो लाइक कर देना यार वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर मैंने कोई मेजर न्यूज़ मिस कर दी हो तो प्लीज़ मेंशन कर देना, सबके साथ शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसी एक और जबरदस्त वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।